क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो फ्रेंड्स, आपने हमारा ये वाला वीडियो देख लिया होगा जिसमें था ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास। उसी सिरे में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम जानेंगे मानव विकास की कहानी, ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। कितना एक्साइटिंग चैप्टर है ना, चलो इसको देखते हैं। आपको याद होगा कोई 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन का विकास हुआ और वो था शैवाल या एल्गी। उसके बाद आए मछलियाँ, उसके बाद आए पृथ्वी पर पौधे बनने लगे, मिट्टी पर पौधे बनने लगे, फिर आए उभयचर जीव जिसको हम एम्फीबियन भी कहते हैं, पानी में भी रह सकते थे, स्थल में भी रह सकते थे, और उसके बाद हमने देखा सरीसृप और फिर बर्ड्स और उसके बाद स्तनपाई जीव या मैमल्स। कोई 360 लाख साल पहले मैमल्स में एक श्रेणी उत्पन्न हुई जिसका नाम था प्राइमेट्स। इनके सारे शरीर पर बहुत सारे बाल थे, इन चार हाथ पांव पे चलते थे और मोस्टली पेड़ों पर वो उछल कूद करते रहते थे, और ये इनकी जो उंगलियां थी इससे वो पकड़ सकते थे, पेड़ों के टहनियों को पकड़ सकते थे, और एक दूसरे को जब बुलाते थे तो वो कुछ आवाज़ निकाल कर एक दूसरे को बुलाते थे। कुछ साल और बीत गए, आज से कोई 240 लाख साल पहले ये प्राइमेट्स में एक श्रेणी उत्पन्न हुई, उपश्रेणी उत्पन्न हुई जिसका नाम था होमिनॉइड्स। देखिए इनको, जैसे गोरिलास, जैसे शिम्पैंजी, ये सीधे होके खड़े होने की कोशिश करते थे पर चल नहीं पाते थे, वो फिर चार हाथ पांव में चलने लगते थे। इनके चारों हाथ पैर बड़े लचीले थे और वो पेड़ से, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूद कूद के जा सकते थे, और वो भी कुछ आवाज़ें निकाल कर एक दूसरे को बुलाते थे। और फिर और साल बीत गए, कोई 56 लाख साल पहले होमिनॉइड से उत्पन्न हुई एक और श्रेणी जिसका नाम था होमिनिड, जिनको कहा गया है आदिम मानव। इनके भी शरीर पे काफ़ी बाल थे, इनका सर बड़ा था और जबड़ा काफ़ी हैवी था, और ये सीधे होके चलते थे, और इनके हाथ में एक डिफरेंस हुआ। इस पिक्चर को देखो, इनका जो अंगूठा था वो काफ़ी लंबा था जिसकी वजह से वो औजार पकड़ सकते थे, औजारों से काम कर सकते थे। होमिनॉइड श्रेणी ये भी आगे जाकर दो हिस्सों में बटी, एक को कहा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरे को कहा गया होमो। ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, नियंडरथल थे और होमोसेपियन थे, इन सब की जो स्कल्स मिली हैं उसकी जब तुलना की गई है तब देखा गया कि उनकी सर काफ़ी बड़ा हुआ करता था और जबड़ा भी काफ़ी बड़ा हुआ करता था, पीछे वाले जो दांत थे वो भी बहुत बड़े बड़े थे, यानी कि वो चबाने वाले काम ज़्यादा करते थे। कोई 25 लाख साल पहले इस वक्त भी आदि मानव जंगलों में ही ज़्यादातर रहते थे, पेड़ों में रहना काफ़ी पसंद करते थे पर कुछ ज़मीन पर भी रहते थे। कुछ टाइम और बीत गया और 25 लाख साल पहले सारी पृथ्वी पर बर्फ़ की चादरें ढक गई और जो पेड़ घने घने जंगल थे वो सारे जंगल ख़त्म हो गए और उसकी जगह पे बने मैदान, खुले खुले मैदान जिस पे खूब सारा घास था। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे ये जंगल में रहने वाले थे और ये धीरे धीरे लुप्त हो गए। जो प्रजातियाँ बच गई उनमें थे होमो। ये होमो का भी तीन हिस्सों में वर्गीकरण किया जाता है। नंबर वन, होमो इरेक्टस, यानी कि जो सीधे होकर दो पांव पे चल सकते हैं। अगला है होमो हैबिलिस, ये हैं जो औजार इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्होंने सबसे पहले कुछ घर बनाने की कोशिश की जिसमें वो शेल्टर के अंदर रह सकते थे। और आगे बढ़कर आए होमो सेपियंस, जिसको कहा गया है चिंतनशील मनुष्य या बुद्धिशील मनुष्य। ये होमो सेपियंस में भी दो हिस्से हुए थे, इनके बना था होमो नियंडरथलिसिस और बने थे होमो हाइडलबर्गेंसिस। ये दोनों भी धीरे 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 लुप्त हो गए और इनकी जगह पे आए जो आज का आधुनिक मानव। तो ये सारे मानव जो बने ये पृथ्वी के क्या एक ही जगह पे बने या सारे अलग अलग जगह पे बने, इसकी दो थियोरीज हैं। नंबर वन थियोरी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन थियोरी और रिप्लेसमेंट थियोरी। इसको जरा देखो, इसका कहा गया कि एक जगह पे मानव की उत्पत्ति हुई और फिर ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में फैल गए। समय जैसे बीतता गया एशिया और यूरोप के जो मानव थे ये ख़त्म होने लगे और जो अफ्रीका के मानव थे ये आगे बढ़ने लगे और फिर ये फिर से बट गए और फिर ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका में फिर से फैलने लगे। ये अलग अलग जगह पर फैले इसलिए इसका नाम है प्रतिस्थापन थियोरी या प्रतिस्थापन सिद्धांत। एक और है जिसको कहा जाता है रीजनल कंटिन्यूटी प्रिंसिपल
या क्षेत्रीय निरंतर प्रिंसिपल। इसका क्या है, इसको पिक्चर को आप जरा देखो। इसको कहा गया कि एक जगह पे मानव बने और फिर वह एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बट गए और वहाँ वो धीरे 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 ग्रो करते गए जब तक कि वो ना आधुनिक मानव तक बन गए। तो ये हैं दो थियरीज कि कैसे मानव सारे पृथ्वी पर फैल गए। तो ये जो प्रथम मानव थे ये कैसे रहते थे, ये भी तो जानने की आपको बड़ी इच्छा हो रही होगी। तो चलो देखते हैं। ये कुछ तस्वीरें देखो। जो एकदम पहले मानव थे वो थे संग्रहक। वो जंगलों में जाते थे, कुछ पेड़ से फल मूल ये सब लेके आते थे और वो थे अब मार्जिन का काम करते थे, यानी कि वो मुर्दा खोर थे। कोई मरा हुआ जानवर मिला तो उसका मांस निकाल के खाना शुरू कर देते थे। कोई 5 लाख साल पहले उनको लगा कि अगर हम ग्रुप बना के शिकार करने जाए तो ये जो बड़े बड़े जानवर हैं जिनको हम अकेले नहीं पकड़ पाते हैं, इनको हम अच्छी तरह से पकड़ सकेंगे। तो 5 लाख साल पहले शिकार का काम शुरू हुआ। और कोई 4 लाख साल पहले इन्होंने सोचा कि बाहर रहना इतना अच्छा नहीं है तो कुछ शेल्टर की ज़रूरत है, तो वो गुफाओं में रहने लगे। उन्होंने छोटी छोटी कुटियाएँ बनाई। ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चली हैं, क्योंकि इन सब के सबूत आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, पुरातत्वविदों को मिले हैं। जैसे यूरोप में उनको मिला है, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी, चेक रिपब्लिक में, साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना में, एशिया में, चाइना में, भारत में, बोर्नियो इत्यादि जगहों में, अफ्रीका में गाना, नाइजीरिया वगैरह जगह में इन सबको इनकी सबूतें मिली हैं। और सबूतों में क्या मिली है, गुफा के अंदर आग जलाने का उनका एक जगह था जो पत्थरों से घिरा हुआ था। गुफा के अंदर हड्डियाँ मिली हैं जानवरों की, मछली की कांटे मिले हैं जिससे लगता है कि ये लोग शिकार करके लाते थे और फिर यहाँ ये लोग इसे खाना खाते थे। और कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली हैं, जैसे वो शिकार के लिए औजार बनाते थे। ये देखो कुछ औजार, इन सारे टुकड़े टुकड़े मिले हैं पृथ्वी के अलग अलग जगह से और इन चीज़ों से, और ये चीज़ें बनाया था मानव ने, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था उनकी जो अंगूठा था वो काफ़ी बड़ा हो चुका था जिसकी वजह से वो पकड़ सकते थे, काट सकते थे, ये सारे काम वो कर सकते थे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखो, इसको देख रहे हो, ये है सुई। माना जाता है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी सुई है, 21,000 साल पुरानी। इससे पुरानी सुई अब तक तो नहीं मिली है, इसलिए इसे सबसे पुरानी सुई मानी जाती है। धीरे धीरे मानव को लगने लगा कि हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं। कोई 13,000 साल पहले इन्होंने सबसे पहले कृषि का काम शुरू किया और वो उगाते क्या थे, जंगली जौ, गेहूं, बाजरा एट्सेट्रा। हमें कैसे पता चला कि जो पुरातत्वविद ने जब खनन किया गुफाओं में या जहाँ जिस जगह में उन्होंने खनन किया वहाँ उनको इन सब चीज़ों के बीज मिले हैं, इससे हमें पता चला। चलो, और कोई 10,000 साल पहले ये सबसे पहले मानव ने पशुपालन शुरू किया और खाना बदोशी का काम शुरू किया। तब भी ये घूमते फिरते रहते थे, किसी एक जगह पर बैठते थे पर छोटी छोटी कुटियाओं में रहते थे। बड़े बड़े शहर बनना शुरू हुआ कोई 7,000 से 5,000 साल पहले, जैसे कि हमने देखा है हमारे मोहनजोदारो में, हड़प्पा में। ये वाला चैप्टर तो आप देख चुके हो ना हमारा वीडियो में। चलो आगे बढ़ते हैं और हम सवाल पूछेंगे कि उस वक्त लोग संचार कैसे करते थे, कम्युनिकेट कैसे करते थे, इसको भी देखते हैं। माना जाता है कि सबसे पहले आदि मानव हाथ फेंक कर, कुछ मुंह बनाकर इस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। धीरे धीरे वो इसके बदले वो कुछ गुनगुनाने जैसे आवाज़ बनाने लगे और फिर वो जैसे बंदर एट्सेट्रा करते हैं ना, बुलाते हैं, कुछ पुकारते हैं, वैस टाइप का आवाज़ वो करने लगे। कोई 20 लाख साल पहले जब होमो हैबिलिस हुआ तब उसके ब्रेन में कुछ चेंजेस हुई जिसकी वजह से वो भाषा बोलना इसकी कोशिश करने लगा और जो स्वर तंत्र, गले का जो वॉइस बॉक्स है ये, और जो आवाज़ें हम अलग अलग तरीके के आवाज़ें से हम जिससे हम बोलते हैं, ये चीज़ें बनने में कोई आज से 2 लाख साल पहले ये सारी चीज़ें बनने लगी। तो ये तरीक़ों से भाषा का उत्पन्न हुआ। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भाषा और कला दोनों कोई 45,000 साल से 30,000 साल के बीच में एक साथ ही उत्पन्न हुई थी। तो यह अलग अलग सोचने का तरीका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन दिनों क्या लोग केवल शिकार करते थे, संग्रह करते थे, खाते पीते थे और थोड़ी छोटी छोटी गुफाओं में या छोटी छोटी कुटिया बना के रहते थे और कुछ नहीं करते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
जो ये जो गुफाएं मिली हैं, यहाँ बहुत सुंदर कलाकृति मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि उस वक्त के लोग संगीत में रुचि रखते थे। कुछ पिक्चर्स आपको दिखाती हूँ, इससे आप देखोगे। इस पिक्चर को देखो, ये मिला है स्पेन में अल्टामिरा नाम के जगह पे। ये जानवर जानते हो क्या है? इसको कहते हैं बाइसन। और इनको देखो, इन पिक्चर से आपको क्या लग रहा है? शिकार की तैयारी हो रही है, लोग शिकार के लिए जा रहे हैं। और इस पिक्चर को देखो, देखो घोड़े चढ़कर कुछ लोग आ रहे हैं, यानी कि लग रहा है कि कोई स्पेशल कुछ है, ये शायद कोई राजा है या कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन है जो घोड़ा चढ़ के आ रहा है, उसके सिर के ऊपर एक छाता भी है। देखो ये सारे पिक्चर्स। और हमारे अपने भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, जहाँ गुफाएं हैं, वहाँ कुछ ऐसे तस्वीर मिले हैं। आप देख रहे हो जो नृत्य गीत करने वाले तस्वीर हैं। आज भी उड़ीसा झारखंड में छाऊ नृत्य होता है, जहाँ लोग मुखौटा पहन के डांस करते थे। ये वाला पिक्चर देखो, ये कितने लाख साल पुरानी पिक्चर है। तो सोचो हमारे देश में कब की परंपराएं आज तक चलती आ रही हैं। रही बात कुछ म्यूजिक डांस जब है, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी होंगे, कोई वाद्य यंत्र भी होंगे। इनको देखो, ये है सीटी। हाँ, ये वाला जो सीटी आप देख रहे हो, ये एक बहुत ही भयंकर बड़ा सीटी है। जानते हो किस चीज़ से बना है? एक भालू के जांग की हड्डी से, फीमर बोन से। कितना बड़ा सीटी है देखो। और ये वाली जो सीटी है, ये हिरन के हड्डियों से ये वाली सीटियाँ बनी है। तो ये पृथ्वी की सबसे पहली सीटियाँ हैं। तो देखो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा? हम कभी कभी हम सोचते हैं कि हम मानव ऐसे ही आ गए पृथ्वी पर। नहीं, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस था, अरबों साल, लाखों साल चलते 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 चलते, थोड़ा 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 चेंज होते होते आज हम जहाँ हैं, आधुनिक मानव हैं। और क्या यही अंत है? ये भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में भी लाखों साल धीरे 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 कुछ चेंजेस आती रहेंगी। और शायद कई लाख साल बाद पहले पता चला कि जो उस वक्त के जो मानव होंगे, वो हमारी तरफ देख के कहेंगे, ओह ये तो आदि मानव थे। तो बच्चों, ये रहा आपका सारांश। और एक चीज़ आप याद रखना, रटना बिल्कुल नहीं। हमें रटने के अगेंस्ट में हम आंदोलन कर रहे हैं, और हमारा आंदोलन है कि सब्जेक्ट को समझो, अपने शब्दों में लिखो, मज़े से लिखो, इन्जॉय करो सब्जेक्ट को। तभी आप देखोगे कि आपके टीचर से बहुत शाबाशी मिलेगी और आपको एग्ज़ाम में खूब सारे नंबर मिलेंगे, और ये जो आप सीखोगे, ये ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। और इस चैप्टर का राइटअप अगर आपको चाहिए, तो आप ज़रूर गूगल कैसे कोशिश ब्लॉग स्पॉट देखिएगा, इस पर आपको मिल जाइएगा। आप हम लोग को फॉलो कर रहे हैं ना, और अगर आज सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और ऑल दबाने मत भूलना, ताकि हर हफ्ते आपके फोन पर एक वीडियो पक्का पहुंच जाएगा। देखते रहो कोशिश।